ई स्किल्स एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला आज आपके लिए बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के विषय में वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018, अभी हाल में ही ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 जारी की गई थी और इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 2967 बाघ हैं, यानी कि टोटल भारत में टाइगर्स की संख्या 2967 है। और ये रिपोर्ट अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया गया था तब ये रिपोर्ट जारी की थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बाघों की संख्या वाले 5 राज्य जो है वो इस प्रकार से हैं। मध्य प्रदेश जहाँ पर 526 बाघ हैं, उसके बाद है कर्नाटक जहाँ पर 524 बाघ हैं, फिर है उत्तराखंड जहाँ पर 442 बाघ हैं, फिर है महाराष्ट्र जहाँ पर 312 बाघ हैं और पांचवे नंबर पर है तमिलनाडु जहाँ पर 264 बाघ हैं। केवल छत्तीसगढ़ और मिजोरम दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बाघों की संख्या में कमी आई है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। 2014 के बाद बाघों की संख्या में सर्वाधिक सुधार तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में हुआ है। तो याद रखिएगा पिछली बाघ जनगणना जो है 2014 में हुई थी और उसके बाद से बाघों की संख्या में सबसे ज्यादा सुधार तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में हुई है। और पहली बाघ जनगणना जो है वो 2006 में हुई थी, उसके बाद दूसरी बाघ जनगणना 2010 में हुई, फिर तीसरी बाघ जनगणना 2014 में हुई और चौथी बाघ जनगणना जो अभी हाल में जारी की गई रिपोर्ट वो 2018 में हुई थी, उसकी रिपोर्ट अभी हाल में ही जारी की गई है। इस प्रकार से टोटल 4 बाघ जनगणना हो चुकी है और अभी हाल में जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से भारत में 2967 बाघ पाए गए हैं। और ये बाघ जनगणना जो है इसका आयोजन हर 4 वर्ष में होता है और इस सर्वेक्षण के दौरान वन अधिकारियों को 3,81,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करना पड़ा था और इसके लिए उन्होंने 26,760 कैमरे भी लगाए थे।